हाय फ्रेंड्स, आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, डिफरेंट थ्योरी फॉर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी थ्योरियां बनी है अभी तक, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और 6 नंबर में आ सकता है। अगर इस क्वेश्चन को ज़्यादा एलोबरेशन या एक्सपेंड करने का बोला जाए तो ये 10 नंबर में भी आपके लिए कैपेबल रहेगा। सबसे पहली थ्योरी जी फैक्टर थ्योरी, ये सभी ने पढ़ा है चार्ल्स। इस थ्योरी को दिया था स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है वो सभी एक्टिविटीज में कॉमन फैक्टर के रूप में पाई जाती है और उस फैक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसे वो कहते हैं जी फैक्टर। और ये एक फेमस थ्योरी है जिसे हमने अभी तक स्टडी नहीं किया, लेकिन हम इसको जल्द ही करने वाले हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये कॉमन एक फैक्टर पे डिपेंड करती थी। अब सेकंड पार्ट है इसका मल्टी फैक्टर्स थ्योरी। मल्टी फैक्टर्स में कि बताया गया है कि जो इंटेलिजेंस है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसकी एबिलिटीज हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थर्स्टन की थ्योरी कहती है कि जो भी हमारे मेंटल ऑपरेशन होते हैं वो किन्हीं बेसिक प्राइमरी फैक्टर्स के कारण रन होते हैं हमेशा, और हर एक ऑपरेशंस के साथ ये प्राइमरी फैक्टर अप एंड डाउन या ज्यादा या कम होते रहते हैं। तो उन्होंने जो बेसिक फैक्टर्स बताए थे प्राइमरी फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू फैक्टर, वर्बल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, मेजरमेंट मेमोरी फैक्टर। मेमोरी फैक्टर मीन्स कहें तो आप जो मेमोरी को, आपकी रिहर्सिंग कैपेसिटी, आप रिकॉलिंग कैपेसिटी को बोल सकते हैं, वर्ड फ्लुएंसी कैपेसिटी की वर्डों को कितनी जल्दी आप प्रोसेस कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन और परपीचुअल मीन्स आप कितनी जल्दी किसी विजुअल डाटा से सारा डाटा इकट्ठा कर पा रहे हैं। उन्होंने 7 बेसिक फैक्टर बताए थर्स्टन ने कि जो भी इंटेलिजेंस होगी या जिस तरह से हम मेजर कर सकते हैं उसमें इन 7 फैक्टर्स की वैल्यू पे ही सारी चीजें डिपेंड करेंगी, और ये फैक्टर चेक किए जा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मेथड। थर्ड थ्योरी जो मल्टी फैक्टर्स में ही अवेलेबल है, इसे बोलते हैं गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। ये हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 बेसिक पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस है वो 3 बेसिक पार्ट्स में बनी हुई है। सबसे पहले कंटेंट कंपोनेंट, मेंटल कंपोनेंट और प्रोडक्ट कंपोनेंट। उन्होंने उन सभी में फिर 5-5 फैक्टर्स बताए थे जो हमें याद है, जिसमें था हमारे विजुअल, परपीचुअल, ये सारे फैक्टर्स। उन्होंने बताया कि कंटेंट में भी 5 फैक्टर्स होते हैं, मेंटल में भी 5 फैक्टर्स होते हैं और प्रोडक्ट में 6 फैक्टर होते हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए टोटल बताए 150 फैक्टर्स जो इंटेलिजेंस चेक की जा सकती है, वो फैक्टर अवेलेबल है 150। गार्डनर्स की थ्योरी ने बताया कि जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज से बनी हुई है और हर एक का अपना एक अलग पोर्शन है। लॉजिकल, आप लॉजिकल इंटेलिजेंस उसे बोलेंगे जो कितनी जल्दी आप लॉजिकल रीजनेबल चीज़ों को डील कर सकते हैं या फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। स्पेशियल, स्पेस वाइड और नैरो मीन्स आप किसी काम को करने में कितने ज़्यादा संलग्न हो सकते हैं, मतलब डीप लेवल तक जा सकते हैं। म्यूजिकल, जो म्यूजिक से रिलेट करते हैं, म्यूजिकल के जो सभी पैटर्न्स को ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक, जो अपने इंटरनल्स को वर्डों के द्वारा टोटली रिप्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मोटर्स स्किल्स, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को हैविली यूज करके, स्लो यूज करके मेंटल लेवल पर। चेस प्लेयर के लिए भी मोटर स्किल्स में काम होता है और फुटबॉल प्लेयर के लिए भी मोटर स्किल ही एक्टिव रहती है, दोनों की बस बॉडी पार्ट्स के यूज होने का डिफरेंस होता है। इंटरपर्सनल, आपके ऑफिशियल कल्चर के जो बॉस के और आपके रिलेशन है वो इंटरपर्सनल में आते हैं और आपका बॉस इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में एक्सपर्ट होता है। इंट्रापर्सनल, आप अपने आप में कितने, जितने भी फिलोसफर हुए वो सभी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से एक्टिव रहते थे। नेचुरल, जो लोग नेचुरल टाइप से फ्लोरा एंड फौना को फील कर सकते हैं उन लोगों की नेचुरल इंटेलिजेंस हाई होती है। स्टर्नबर्ग थ्योरी, जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी। इसमें उन्होंने जो इंटेलिजेंस है उन्होंने उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया। जो 3 पार्ट थे उनके,
या फिर हम कहें तो थ्री फैसिट। पहला फैसिट था एनालिटिकल, दूसरा था क्रिएटिव, तीसरा था प्रैक्टिकल। एनालिटिकल फैसिट था या फिर हम इसे कहें कंपोनेंशियल, तो उसका बेसिक पर्पस था कि आप जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटी से रिलेटेड जो रीजनेबल हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो गया, ये सभी आती है आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। मींस इनका क्लियर गोल होता है, सिंगल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और इसमें लेस मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर। क्रिएटिव में होता है नोवल सिचुएशन, जो सिचुएशन आपने कभी डील नहीं की उस सिचुएशन में अपने पास्ट एक्सपीरियंस के जरिए एक्टिव होके उसको सॉल्व करना, उसे हम बोलते हैं नोवल सिचुएशन। ऑटोमेशन, जिस प्रोसेस को हम बार बार करने लग जाते हैं वो ऑटोमेटिक तौर पे होने लग जाता है, जिसमें हमारे क्रिएटिव थॉट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। जैसे कि ड्राइविंग, आप चलाने लग जाते हैं तो ड्राइविंग में आप एक टाइम के बाद क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते जितनी आप स्टार्टिंग में दिखाते हैं एज कम्पेयर टू ए लॉन्ग टाइम पीरियड। तीसरा है आपका प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ को डिवाइड किया गया था तीन में, अडेप्टिव, शेपिंग और सिलेक्शन। सिचुएशन, इन्वायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि सर्दी आती है तो हम एडिशनल अपने कपड़े चेंज कर देते हैं या यूज़ करने लग जाते हैं। नया प्रोसेस सीखने के लिए हम कुछ एसोसिएशन कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं शेपिंग, ताकि एक प्रोसेस की इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के लिए प्रोसेस इन्वॉल्व कर दिया। तीसरा है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन जब हम टोटली अपने सभी मेंटल और फिजिकल लेवल को एक बैरियर के रूप से हटाकर उसको प्रोसेस करने के लिए, कि हम अपने आप को टोटली चेंज करने के लिए भी एक सिलेक्शन हमारे पास ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसमें हमने पांच क्वेश्चंस, पांच थ्योरियां डिस्कस की, जी फैक्टर थ्योरी, थ्रस्टर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, गार्डनर एट टाइप और स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये सिक्स नंबर में आपको सिर्फ बेसिक इन थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका, जो हमने बैक टू बैक थ्योरीज को डिस्कस किया है, आप उनको समझकर इजीली इनके बारे में आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्वेश्चन आपको? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।